भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 300 हटाने के साथ ही अभी कुछ कालखंड के लिए, और मैं बताता हूं कुछ कालखंड के लिए, जम्मू कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। इसके पीछे की वजह समझना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब से वहां गवर्नर रूल लगा है, जम्मू कश्मीर का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है। इसकी वजह से बीते कुछ महीनों में वहां गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी, उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है। दशकों से लटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल रही है। हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्य संस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का भरसक प्रयास किया है। इसका नतीजा है कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स हो, तमाम साथ साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्रोजेक्ट्स हो, या फिर करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सब के काम में तेजी आई है। इसके अलावा वहां कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट हो, सड़कों और नई रेल लाइनों का काम हो, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, सभी को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथियों, हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में दशकों से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भाई बहन रहते हैं जिन्हें लोकसभा के चुनाव में, उसमें तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और वहां की पंचायत या वहां की नगरपालिका या वहां की नगर महानगरपालिका न वो चुनाव में मतदान कर सकते थे न चुनाव लड़ सकते थे। ये वो लोग हैं जो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में उनको सब अधिकार है, अकेले जम्मू कश्मीर में नहीं है। क्या इन लोगों के साथ अन्याय ऐसे ही चलता रहता?